एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊँगा कि आपसे बिना पूछे कहीं भी आ जा सकूँ। माँ ने भी दिल छू लेने वाला जवाब दिया, बेटा इतना बड़ा तो तेरा बाप भी नहीं हुआ आज तक। साहूकार, तुमने अपने कर्ज के रुपए अभी तक नहीं चुकाए, चलो बीच का मामला तय हो जाए। तुम्हारे कर्ज का आधा भाग मैं भूलने को तैयार हूँ पप्पू कर्जदार, मंजूर? बाकी आधा भाग मैं भूलने को तैयार हूँ। दो लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर बोला, झगड़ा मत करो, तुम दोनों में जो भी उम्र में बड़ी हो वो सीट पर बैठ जाए। बस फिर क्या था, दोनों लड़कियां पूरे रास्ते मुंह फुलाई खड़ी ही रही। पहले दो बादाम खाकर भी गणित के सारे फॉर्मूले याद करते थे, आज मुट्ठी भर खाकर भी पत्नी का जन्मदिन याद नहीं रहता। बादाम ही नकली आने लगे हैं यार। हमारी उम्र चाहे जितनी भी हो गई हो, लेकिन अभी भी कहीं जब बिल्ली देखते हैं तो दो बार जरूर बोल देते हैं, म्याओ म्याओ, ए बिल्ली मौसी। बेरोजगारों की जान पहचान तो इतनी है कि पूछो ही मत। जिस भी गली से गुजरते हैं बेचारे पीछे से आवाज आती है, ए भाई खाली होगा तो आटा पीस कर ला देना। पतंजलि के बिस्कुटों का वजन कम मिलने पर बाबा जी का कहना है, हमने तो तोल कर ही पैक किए पर बिस्कुट ने योगा करके अपना वजन कम कर लिया। वो तो लड़कों का बस नहीं चलता है, वरना ये लड़कियों के कब्र पर भी लिख देते, नाइस कब्र, वंडरफुल लोकेशन, ब्यूटीफुल मिट्टी। लड़का फोन पर, कहाँ हो अभी? लड़की, अभी तो मैं अपने पापा के BMW कार से मार्केट जा रही हूँ, फिर शॉपिंग मॉल और फिर कपड़े और ज्वेलरी खरीदूंगी, फिर मिलेंगे, लेकिन तुम कहाँ हो? लड़का, तू जिस टेम्पो में बैठी है ना, मैं उसी में पीछे लटका हूँ, और सुन किराया मत देना, मैंने दे दिया है। लड़की बेहोश।